प्रगति के पथ पर ले जाने वाली महिला शक्ति, नारी शक्ति हमारे बीच डॉक्टर गीता त्रिपाठी जी हमारे बीच आ गई हैं। मैं तुम्हारी आयुषी से आकर गीता त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप ही लोग अगर ईश्वर के बाद इस धरती पर कोई अगर मनुष्य रूप में भगवान है तो मुझे लगता वो है डॉक्टर्स। और यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जिसके घर में अगर पिता, बेटा, बेटी, माँ कोई बीमार है और अंतिम सांस ले रहा है, उस समय हम डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं और डॉक्टर अपनी पूरी ताकत लगा के फिर से उसको नई जिंदगी देते हैं। तो मानव रूप में अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है। और ऐसी ही डॉक्टर डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, आप आए और हमारे इन बच्चों के अंदर एक उत्साह, एक लगन आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा कर दें, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी आज सही दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाए और सोचे कि मैं कभी भी बेरोजगारी के दंश से जीवन भर अपने आप को जूझने नहीं दूंगा, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, मैं स्वावलंबी भारत अभियान की ओर अपना कदम बढ़ाऊंगा, स्वयं आत्मनिर्भर होऊंगा और लोगों को भी रोजगार मुहैया कराऊंगा। डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला जी। यहाँ पर उपस्थित सभी युवा शक्ति जो आज मौजूद है, थोड़ी बातें बताना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं रेखा मैम को पहले बोलना चाहूंगी, जो कि गोंडा में जब मैं आई थी और मैंने अपने हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी तो मुझे पता चला था कि रेखा मैम को यहाँ पे साइंस की देवी कहा जाता है। सही, क्योंकि रेखा मैम ने यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और एक बार मुझे इनके इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ मेरे मरीजों के रूप में, तो मुझे पता चला कि रेखा मैम अपने यहाँ घर पे बच्चों को रख कर पढ़ाती हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती उनको सुविधाएं देती हैं, जिनके पास पुस्तकें नहीं होती उनको किताबें देती हैं और जिनके पास जमा कराने के लिए फ़ीस नहीं होती उनके लिए फ़ीस का भी अरेंजमेंट कराती हैं। तो रेखा मैम, सबसे पहले आप जैसी नारी शक्ति को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। उसके बाद मैं हाथ जोड़ के आमंत्रित करना चाहूँगी अपने छोटे से हॉस्पिटल में गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं जब मैम ने बोला कि अटारियो से आए हैं तो मुझे ये लगा कि कोई बहुत ही ना अकड़ों टाइप कोई बड़े सेठ जी होंगे, तो लेकिन गुप्ता जी से मिलके ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में हमको अपनी धरती से जुड़ा होना चाहिए और अगर हम कोई समाज का कार्य कर रहे हैं तो हमको अपनी ड्रेस, वेशभूषा और आवरण भी ऐसा रखना चाहिए कि जब हम समाज में उस ड्रेस और उस लुक्स में जाएं तो हम समाज का ही पार्ट होंगे। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम गुप्ता जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से अस्पताल में। आप आए और हमें वहाँ आशीर्वाद हैं और रेखा मैम को फिर से धन्यवाद कि गुप्ता जी से मिलने का मुझे अवसर दिया। फिर मैं बोलना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर विभाग से आई हुई MBS की मैम, कॉमर्स डिपार्टमेंट की मैम शिवा कॉम्पिटिशन से सर आए थे, वो चले गए शायद, आ गए सर, आप मुझे सुनने आ गए शायद वापस। हमारे पड़ोसी APS ग्लोब स्कूल, अब रेखा मैम आपका कितना धन्यवाद दूँ ये बहुत कम है, क्योंकि सिंह साहब से मेरा परिचय यहीं पे हो रहा है जबकि ये मेरे पड़ोसी हैं। तो अब मैं सबसे, और फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी
जीजेआईसी की प्रिंसिपल मैम का और उनके साथ आई हुई मैम का कि आप यहाँ पे आए, और मुझे रेखा मैम का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। शायद आशीष मिश्रा जी मुझे नहीं जानते होंगे, और स्वदेशी जागरण मंच गोंडा के थ्रू आशीष मिश्रा जी ने अपने स्कूल में ये अरेंजमेंट किया। तो बच्चों, मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ वो, अगर हम सुबह से शाम तक बोले ना तो भी हम अपनी बातों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं मुझे लगता है कि हमें रेगुलर ऐसे मोटिवेशनल क्लासेस करनी चाहिए ताकि हमारा आज का युवा प्रेरित हो। और बच्चों, कोई भी चीज़ या कोई भी जो, जब हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो वो एक ही बार नहीं होती है, हम बहुत फेलियर्स का सामना है। जब कोई बच्चा जैसे मेरी तरह, हमने MBBS किया, तो MBBS करने के लिए किया, तो जितने बच्चे कंपटीशन देते हैं वो एक ही बार में सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो हम क्या, अगर हम कंपटीशन की तैयारी करें किसी भी चीज़ के लिए, तो पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचें, हम उसके प्रोसेस को एंजॉय करें, हम अपना पूर्ण समर्पण दें पढ़ाई के प्रति। और उसके बाद तो हुए वही जो राम रचि रखा, जो आपके भविष्य में लिखा होगा, जो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कभी आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए आपके पास हो सकता है पढ़ाई की सुविधा ना हो सकता है प्रैक्टिस नहीं किए। सर, मैं तो वकील बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स वकील हैं। तो अभी पीछे कोई कार्यक्रम हुआ था तो मैंने बताया था कि मैं लड़कियों के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। तो जब मैंने देखा कि मैं अगर मैं वकालत करूँगी तो शायद मैं समाज को उस तरीके से हेल्प ना कर पाऊँ जो कि मैं किसी अन्य, भी अच्छा प्रोफेशन है, पर कुछ प्रोफेशंस की मजबूरी हो जाती है कि हमें अपने क्लाइंट के बचाव के लिए बहुत सारी बातें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए मेरा काले कोट की जगह सफेद कोट के लिए तैयारी करो। तो अब शिवा कॉम्पिटिशन हमसे जो सर आए, उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दी है कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में तो इनको हर जगह इनवाइट करना चाहिए। और मैं आप सभी आए हुए सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही रेगुलरली बच्चों को प्रेरित करते रहे, क्योंकि अगर हमारे युवा मजबूत होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अगर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे भारत देश की एक पोजीशन होगी, जिसको कि मुझे लग रहा है कि पिछले 7-8 सालों में हमारा राष्ट्र बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है। और अगर हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे और राष्ट्रहित की बातें करेंगे, हमें बेटा ये भी सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती है कि एक तो है हम कॉम्पिटिशन करके कुछ बनना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं कि पॉजिटिविटी के साथ हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कर्मा होते हैं। तो कुछ पुराने जन्म के कर्म होते हैं जो हमको इस जन्म में उनके फल मिलते हैं, और कुछ इस जन्म के इसी जन्म में मिलते हैं। तो शिवा सर, साइंटिफिकली मुझे लगता है कि ये एनर्जीज है जो अगर हम अच्छे कर्मों द्वारा समाज में देते हैं तो वो वापस घूम फिर के हमारी तरफ आती है। और अगर हम नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, अगर हम कोई गलत सोच रखते हैं, किसी के प्रति कोई गलत काम करते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे पास आती है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचें और अच्छा काम करें, हम अच्छी सोच रखें, अच्छा काम करें, तो निश्चित ही भगवान हमको, ज़रूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट जॉब में लाएगा। हो सकता है हम अच्छे एंटरप्रेन्योर, मतलब हम अपना स्वयं एक लघु व्यवसाय करें, उसके बाद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम ये कोशिश करें कि हम दूसरों के अंडर नौकरी ना कर कर हम लोगों को व्यवसाय दें, लोगों को जॉब्स दें। हम जॉब्स करने की बजाय हम जॉब्स देने का काम करें। तो एक मैं अपनी छोटी बात बताना चाहूँगी कि मुझे सरकारी नौकरी मिली थी, तो मैंने सरकारी नौकरी, डॉक्टर साहब ने मुझसे त्याग पत्र दिलवाया और कहा कि हम अपना खोलेंगे, अपना बिजनेस, अपना काम, बिजनेस मीन्स अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, जिसको आजकल डॉक्टर को भी एक व्यवसाय के रूप में ले लिया गया है। लेकिन डॉक्टर आपसे इसलिए चार्ज करता है कि अगर वो नहीं चार्ज करेगा तो वो अपने सिस्टम का मेंटेनेंस करके आगे आने वाले मरीजों को कैसे सुविधाएं देगा। तो सर, उसके लिए भी हमने अपने यहाँ आयुष्मान भारत योजना को डाला है हमारे हॉस्पिटल में, और सारे ऑपरेशन हमारे यहाँ आयुष्मान भारत से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो जहाँ पे भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने राष्ट्र हित में कुछ भी कर पाऊँ, तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ
कि मुझे जो परिवार ससुराल प्राप्त हुआ या जो मेरे को मेरे जिनसे शादी हुई, मेरे जो हस्बैंड हैं वो सर्जन हैं, और उनका जो उनका सहयोग मुझे हमेशा मिला जब भी मैंने कुछ भी सोचा पॉजिटिव करने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने मेरी हेल्प करी। आप अकेले नहीं कर सकते जब तक कि आपको घर में ऐसा माहौल ना मिले। मैं छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास 10 फरवरी या 9 फरवरी को एक फ़ोन आया पोस्ट ऑफिस से कि डॉक्टर साहब आप कुछ लोगों को प्रेरित करिए कि वो अपना सुकन्या योजना का फॉर्म खुलवाएं, एक दो खाते खुलवाएं ताकि लोगों को जानकारी हुए। तो हमने कहा कि ठीक है हम प्रयास करेंगे। तो उस दिन डॉक्टर साहब ने डिनर किया। हमारे डॉक्टर साहब का डिनर रात में 3 बजे होता है, जिसको यहाँ पछलारा बोलते हैं। तो पछलारा जब डॉक्टर साहब भोजन कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ पर मुझे यहाँ की भाषा बहुत अच्छी तरह आती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या सोच है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपने यहाँ पैदा होने वाली सभी बच्चियों का सुकन्या योजना वाला कार्ड बनवाना शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो कोई भी खुद भी बनवा सकता है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो बनवाएगा। तो फिर हमने अगले दिन अपने स्टाफ में पूछा कि किस किस के पास बच्चियाँ हैं। तो बहुत सारा ऐसा स्टाफ जो 10-10 साल से हमारे साथ है, उनकी किसी की एक बेटी है, किसी की दो बेटी है, तो वो बेटियों के लिए जो सुकन्या भारत का आज तक वो मौका नहीं पाए या उनकी सोच में नहीं आया, लड़की 10 साल के ऊपर क्रॉस हो गई कि हम इसको बनवा लें। तो 10 साल के ऊपर जब बच्ची क्रॉस हो जाती है तो ये योजना का लाभ नहीं मिलता। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास राष्ट्र की तरफ और कि मेरे यहाँ जितनी बच्चियाँ पैदा होती हैं उनकी सुकन्या योजना की मैं वो बनवा के देती हूँ पासबुक, और उसके अलावा उसकी पहली किस्त में जमा करती हूँ और फिर उसके होने वाले लाभ को मैं बताती हूँ। इससे मेरा कोई निजी लाभ नहीं है, लेकिन शायद जब वो बच्चियाँ बड़ी होंगी, जब उनकी पढ़ाई में कोई ज़रूरत होगी या फिर उनको उनकी शादी में कोई रिक्वायरमेंट होगी, और जब उनके पिताजी को 8-10 लाख रुपया इकट्ठा मिलेगा जो 5-5 सौ जमा कराने पर, तो शायद वो किसी दिन वो पासबुक देके मुझे अच्छे रूप में याद कर ले। यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत कुछ है और मंच में आने के बाद इतने अच्छे अच्छे वक्ता सुनने के बाद हमें लगता है कि हम कहीं भी नहीं है। रेखा मैम का मैं कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इनको सुनकर मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है पहली बार। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शहर के इतने समाज के इतने अच्छे प्रेरणा स्रोतों से मुझे मिलवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने अनुज पुत्रवर अवधेश तिवारी जी से आग्रह करती हूँ कि जेपी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार पाठक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे भारतवर्ष के 3 बड़े महासपूत जिन्होंने अपने जान को भारतवर्ष पर न्यौछावर कर दिया, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, उनको नमन करते हुए आज हमें संकल्पित होना है कि जिस भारत का स्वरूप उन्होंने देखा था, जिस आजादी के सपने को उन्होंने देखा और उस आजादी के लिए उन्होंने फांसी पर लटकना हंसते हंसते वो लटक गए, ऐसे भारत को हमने स्वतंत्र रूप में देखा है। हम सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हमारी स्वतंत्रता केवल सैद्धांतिक रूप में ना रहे कि हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमें स्वतंत्रता बीपीएल से भी चाहिए, हमें गरीबी से भी स्वतंत्रता चाहिए। हम 100% लोगों को रोजगार देने वाले बन जाएं, हमारा भारतवर्ष समृद्ध भारत हो, हमारा भारतवर्ष महान भारतवर्ष हो, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़े और पूरे विश्व को लेसन दे, एक पाठ पढ़ाए, जियो और जीने दो। एक पाठ पढ़ाए वसुधैव कुटुंबकम कि पूरी धरा ही हमारी एक परिवार है और हम सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ेंगे। उद्बोधन की अगली कड़ी
डायर में, जिस तरह अभी हमारी अनुज, मुझे तो लगता है बेटी स्वरूपा ज्योत्सना जी अभी मेरे लिए बोल रही थी, मुझे ताकत मिलती है डॉक्टर गीता त्रिपाठी से, जितना बड़ा पद उतना ही सौम्य स्वभाव। आज तक कभी मैंने गीता त्रिपाठी जी के चेहरे पे टेंशन नहीं देखा बच्चों। तो हम चाहे जिस भी पद पर पहुंच जाएं, हमारे चेहरे पे जो सौम्यता हो, जो सरलता हो, वो गीता त्रिपाठी जैसा होना चाहिए। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गीता त्रिपाठी। यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी को मेरा नमन करवाकर, और इसके बाद मैं डॉक्टर रेखा मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इस तरह से बोला कि मुझको समझ ही नहीं पाए कि कहाँ से इतने सारे शब्द ले आए और मेरे बारे में कह गई। और यहाँ बुला के मुझे जो सम्मान आशीष मिश्रा ने दिया है, अच्छा लगा। आकर यहाँ देखा एक बार इन्होंने और मुझे बुलाया था, मैं आ नहीं पाई थी, लेकिन आज आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। और इनका आभार व्यक्त करती हूँ, डॉक्टर मैडम रेखा मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे जिस उद्देश्य से आज ये संगोष्ठी है, वो नहीं हो है कि आज शहीद दिवस को संकल्प दिवस के रूप में परिवर्तित किया गया है, और हमारा संकल्प है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होने का मतलब है कि खुद को निखार के लाना और अपनी पहचान बनाना। बहुत छोटा सा एक उदाहरण देंगे कि दूध और घी दोनों एक ही कुल के हैं, लेकिन जब दूध में मक्खी गिर जाती है तो हम क्या करते हैं कि दूध फेंक देते हैं, लेकिन अगर घी में गिरती है तो मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है और ये कहना है कि दूध न बनो घी बन जाओ, जिससे लोग तुम्हारी कमियों को निकाल कर देते और तुम्हें निकाल पाए। आज शहीद दिवस को संकल्प दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम, और राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की आज के दिन जो फांसी हुई थी, ये बहुत ही दर्दनाक थी। भारत के ये जो तीन दिए जल रहे थे, 23 मार्च को बुझ के इन्होंने पूरे भारत को रोशन कर दिया था। एक चीज जानते हैं, सीता माता ने वनवास क्यों जाना स्वीकार किया था? इसलिए कि लोगों के अंतर वेदना जो है वो उमड़ कर सामने आए और सबके दिल में अच्छी तरह स्थान बना ले। वही चीज सरदार भगत सिंह और इन लोगों का था। ये लोग बहुत ऊपर पहुंच गए थे और भारत को बहुत, भारत के बहुत प्रिय हो गए थे, तो अब और कितना प्रिय होते ये तो नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने कहा कि ये शहीद हो जाना और फांसी पर चढ़ जाना, उससे भी ज्यादा इनका भारत के दिल दिल में गहराई से फिर से एक बार रोपण हो गया, जो पूरी देश जनता आज इनको नमन करती है। और इनके बारे में तो जितना भी कहे, समय शब्द सब कम पड़ जाएगा, कहते रहें, लेकिन मुख्य विषय पर वार्ता करते हुए आप लोगों को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ और साधुवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने तो गागर में सागर भर दिया। इसी क्रम में बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं प्रेम कुमार पाठक जी को भी बुलाना चाहूंगी। यदि आज कोई विज्ञान का नाम लेता है और कहता है रेखा मैम ने जन जन को वैज्ञानिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास किया है, तो बहुत पुराने हमारे विज्ञान कर्मी, हमारे विज्ञान संचालक प्रेम कुमार पाठक जी ने भी ये जो विज्ञान की यात्रा थी इसमें सुदूर गांव तक हमारे साथ गए हैं और लोगों में वैज्ञानिक चिंतन डेवलप करने के लिए आपने प्रयास किया है। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रेम कुमार पाठक जी।
स्वावलंबी भारत अभियान संकल्प दिवस कार्यक्रम में हम सभी मैं चाहती हूँ कि सादर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित हो सका। अगर मैं ना उपस्थित होता फिर बाद में कुछ पछताओ कि इतने विद्वान के बीच मेरे तो पैर थर थर कांप रहे हैं, उसमें कुछ बोल नहीं सका कि मैं क्या कहूँ। माँ सरस्वती की इतनी कृपा प्राप्त किए हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं तो हमारी बड़ी बहन है, हमेशा बड़ी बहन की तरह मेरा पालन पोषण आपने हमेशा आपने अपना दिशा निर्देशन दिया है। हाँ, मैं छोटे भाई की तरह बल्कि पुत्र की तरह मैंने हर आदेश का पालन किया है और जो आपने कहा है वो कुछ ज़्यादा कह दिया है, इतना तो नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जो भी जिम्मेदारी हमें समाज ने या आपने या हमारे अभिभावक ने सौंपी है उसको 100% मैंने 500% करके दिखाया। और मैं बच्चों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा फिर इस 500% जहां भी जो दायित्व आपको दिया गया है उस दायित्व को आप पूर्णतया निर्वहन करने की कोशिश करें। सशक्त भारत, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए फिर अलग से मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप बन जाएगा और हमारा सबका प्रयास शुरू हो गया है। आज मैंने इस कार्यक्रम को देखा और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में आगे मुझे सूचना दी जाएगी तो मैं जरूर उपस्थित रहूँगा और इन सबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को नया नया एडमिशन भी पाया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं कि इसमें क्या होता है कैसे होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं चला जाऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। या नहीं, ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब भी आपसे कोई सहायता मैंने समाज की सेवा के लिए मांगा आप सदैव तत्पर रहे, क्योंकि समय बहुत कम है और आप अभी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपने गुरु के सामने क्या बोलूं। जब आप मेरे विद्यालय आएंगी तब मैं बोलूंगा। तो हम लोग इनको इनके विद्यालय में भी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो हम अजय जी को सुनेंगे। ये बताते हुए गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ कि आज यह कार्यक्रम स्वावलंबी भारत अभियान जो भगत शहीद दिवस के अवसर पर संकल्प दिवस कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है, वर्ष के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जा रहा और यह कार्यक्रम आज इसी समय 5 बजे से 7 बजे तक पूरे भारत वर्ष में चल रहा है। आप इसमें देख सकते होंगे नेशनल लेवल के उन सभी की वाणी आज पूरे भारत वर्ष को सुनाई जा रही है कि हे युवा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लैपटॉप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं, सुना नहीं पा रहे हैं, अब 2 मिनट हम इसे भी सुनेंगे। आप सभी जानते होंगे हरिद्वार में आचार्य रामचंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा हरिद्वार में सामाजिक संस्थान है जिनके सन और उन्हीं के पुत्र डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति हैं अभी इस मंच से बोल आत्मनिर्भर भारत की ओर बनाने के लिए अभी उत्प्रेरित किया है और अभी जो कुमार जी बोल रहे हैं मुझे आज इस कार्यक्रम कितने एक एक मोती जुड़ती गई और बड़ी सी माला यहाँ पर बन गई है। हम सभी चाहेंगे कि जोरदार तालियों से हमारी एकता के लिए और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँ गुप्ता जी का समय कितना बहुमूल्य है। डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठी हैं, कितने मरीज वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। गीता त्रिपाठी जी इस समय मूल्यांकन चल रहा है और आप उस मूल्यांकन केंद्र की अधिकारी हैं।
स्मृति जी किसका किसका नाम बहुतों का नाम ले रही हूँ, बहुतों का नाम नहीं अविनाश जी, इनको भी मैं इस युवा पीढ़ी का भी मैं वंदन करती हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होता है मैं अविनाश को जरूर देखती हूँ और अविनाश का मैं लगता भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल है क्योंकि अभी ये जो सीख रहे हैं आगे में बहुत अच्छा करेंगे। तो अंत में मैं ये चाहती हूँ कि हम सभी लोग एक संकल्प लेंगे, उसके पहले मैं आज इस मंच से आप सभी को जोड़ रही हूँ। स्वदेशी जागरण मंच सिर्फ आपसे स्वदेशी चिंतन को अपनाने की बात करता है, भारत को समृद्ध भारत बनाने की बात करता है। यदि आपके अंदर भारतीयता है, इस भारत माता से प्रेम है, तो स्वदेशी जागरण मंच का जो भार है मैं अपने आगे बैठे इस युवा पीढ़ी को देना चाहती हूँ कि हम सभी मिल करके गोंडा जनपद को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग करेंगे। इसी क्रम में आज सतीश मिश्रा जी को मैं स्वदेशी जागरण मंच का सह मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपना चाहती हूँ और यह दायित्व मैं चाहती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के हमारे गार्जियन हमारे मार्गदर्शक श्री राम प्रकाश गुप्त जी इन्हें माल्या पढ़कर यह दायित्व दे कि स्वदेशी जागरण मंच की तक पहुंचे और सभी भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत हो। आशीष जी का भी मैं चाहती कि सम्मान हो, बहुत अच्छा एक सराहनीय काम किया है कि सर्विस करने वाली महिलाओं के बच्चे यहाँ आते हैं और दिन भर मातृत्व जैसा प्यार पाते हैं। अभी यहाँ से जाने के निकलने के पहले आप इनकी गार्डन को भी देखिएगा, बाहर बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी सुविधा आपने बना रखी है। आप भी साधुवाद के पात्र है और इन्होंने इन्फेंट स्कूल के अतिरिक्त एक स्टूडियो बनाया और इस स्टूडियो का उद्देश्य है शून्य से शिखर तक। और इस कार्यक्रम में किसी दिन हमारे आज के जो गार्जियन है हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी को भी बुलाया जाएगा और इसी मंच पर से आप अपने जीवन का संघर्ष यहाँ बैठी युवा पीढ़ी को बताएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कभी डॉक्टर ज्योत्सना जी आएंगी और हमारी गोंडा जनपद की विभिन्न स्कूलों की बेटियों को यहाँ हम बुलाएंगे और आप उनमें आत्मबल और कैसे वो आत्मनिर्भर बने इसका संदेश और उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम करेंगी। इसी तरह स्मृति जी, स्मिता जी, डॉक्टर गीता त्रिपाठी जी, सभी को अनुपमा श्रीवास्तव जी, अजय प्रताप सिंह जी, क्योंकि इन्होंने भी संघर्ष किया, आप भी IAS की तैयारी करने गए थे और आप भी हमारे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आते थे। शायद मुझे याद नहीं कि कभी इनसे क्लास में कोई क्वेश्चन हमने पूछा और इन्होंने उत्तर ना दिया हो, सभी टीचर्स के बहुत प्रिय थे। लेकिन इन्होंने समाज को शिक्षा देने के लिए गायत्रीपुरम में एक इंग्लिश मीडियम बहुत सुंदर स्कूल बनाया है। आप सभी जब हमारे इस अभियान से जुड़ जाएंगे तो कभी हम सभी लोग इनके स्कूल भी चलेंगे। तो अब इस अपन की ओर ले जाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों और आज हम कुछ संकल्प लेंगे। हम स्वावलंबी भारत अभियान के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हम भारतवर्ष को 100% रोजगार युक्त बनाएंगे। हम भारतवर्ष को BPL मुक्त भारत बनाएंगे। हम स्वदेशी चिंतन को अपनाएंगे।
हैंड्स डाउन। मैं कहूंगी जब बाजार जाएंगे आप कहेंगे, जब बाजार जाएंगे बैठे सभी मंचा के सदस्य, सभी उससे बड़े हैं, तो सभी के सामने मैं अभी जो हमारे मंच पे हैं यहाँ से बाकी बच्चे और सभी उपस्थित लोग यहाँ पर आप लोग, और इतने संकल्प दिवस में हम सभी एक साथ में शामिल हुए। आज का दिन जो शहीदी दिवस के रूप में देखा जाता है, मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते कि आज की डेट में 23 साल का युवा जो फ्यूचर प्लानिंग में लगा रहता है, आगे आने वाले लोग चीजों के बारे में सोचता है कि आगे क्या करेंगे। उस समय ये ऐसे युवा थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, फांसी पे लटक गए। आज उनकी बदौलत, उनके योगदान की वजह से हम इस युग में हैं, इस एरा में हैं, जहां हम खुलकर सांस ले सकते हैं, अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हैं। और हमारे शिक्षकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान हुआ है, हमारे टीचर्स मैम ने मुझे पढ़ाया और आज भी मैम बोल रही थी तो ऐसा लगा था कि वापस मैं वही स्कूल में आ गई हूँ और मैं वही क्लास में मैम की क्लास में हूँ और सुन रही हूँ। तो ऐसे ही इन्हीं सब चीजों से, यही जो बातें होती हैं हमने अपने बड़ों से सीखी, आप हमसे सीखेंगे और आपसे आने वाली पीढ़ी सीखेगी, और इसी सब तरीके से हम इन दिवस को मनाते रहेंगे। ये दिवस आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, जो शायद आज इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं, जो इन चीजों को बहुत पुराना मानते हैं, पुरानी मानसिकता का स्वरूप मानने लगे हैं। हम मॉडर्न हुए हैं तो शायद इन्हीं के देर है जो आज हम मॉडर्न हो पाए। तो इसलिए आज आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, सब इस एकता के स्वरूप में बंधे इस मंच पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक शिक्षक हूँ, स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ, तो हम अपने कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से करते हैं।